और इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर भारी संख्या में लोग उमड़े जिन्होंने नए साल का जमकर जश्न मनाया। और लाल चौक पर इकट्ठा होकर कश्मीर के युवाओं ने नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। ये तस्वीरें लाल चौक श्रीनगर की आप देख रहे हैं, पूरी शांति वहां पर दिखाई दे रही है और शांति वाली आबो हवा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटी के अंदर पूरे जश्न के साथ पटाखों के साथ इस वक्त नए साल का आगाज हुआ है और लोग खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये है कश्मीर घाटी की बदली बदली सी फिजा। और वहीं देश के कोने कोने से नए साल के जश्न की कई तस्वीरें सामने आई हैं। नए साल के इस मौके पर हर कोई अपने अजीजों को, साथियों को, दोस्तों को बधाई दे रहा है। लोगों ने आतिशबाजी की, 2024 का भव्य स्वागत किया। नए साल की खुशी में देश भर के मुख्य बाजारों में भी रौनक देखने को मिली है और दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। भारत में भी नए साल की धूम देखने को मिली है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल का जश्न मनाया गया। हर कोई एक दूसरे को नए साल की बधाई देता दिखाई दे रहा है। देश के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। रांची से लेकर मुंबई तक और भोपाल से लेकर लखनऊ तक सिर्फ जश्न का नजारा देखा जा रहा है। चंडीगढ़, नोएडा में और गुरुग्राम में तो आधी रात के बाद भी जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आती रही। वहीं पहाड़ों पर भी सैलानी नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शिमला में जोर शोर के साथ इस साल का इस्तकबाल किया जा रहा है। 6 तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से 2023 को टाटा बाय बाय बोलकर 2024 के आगाज पर पूरा देश जश्न मनाता हुआ झूमता हुआ नजर आ रहा है। रांची, मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, नोएडा और गुरुग्राम की यह तस्वीर जहां नए साल 2024 का भव्य स्वागत आधी रात को किया गया। देश के सभी शहरों में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया, जश्न मनाया गया है। कोलकाता में लोग पार्क और गलियों में इकट्ठा हुए और रात के 12 बजते ही नए साल का जोरदार तरीके से लोगों ने स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, गले लग करके नए साल की बधाइयां दी है और हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए जोशो खरोश के साथ घरों से बाहर निकले, जश्न मनाते दिखाई दिए। कोलकाता की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देश भर से नए साल के जश्न की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने जश्न और आतिशबाजी के बीच पुराने साल को विदा किया है और नए साल का स्वागत किया। गोवा के पणजी की ये तस्वीर आप देखिए, पार्टियों में मौज मस्ती करते युवा नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। शहर में कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी भी की गई है। गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप डांस में और नए साल के जश्न में डूबे हुए सराबोर लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पणजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरा आसमान आतिशबाजी की वजह से चमचमाता हुआ नजर जा रहा है। और ऐसे में आप समझिए कि गोवा तो लोग कई बार नए साल का जश्न मनाने जाते भी है, ऐसे में गोवा में एक अलग ही नए साल की छटा देखने को मिली। 20 उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ नए साल का सिर्फ जश्न दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में लोगों ने नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। नए साल के जश्न में युवा सड़कों पर ही थिरकते नजर आए। नए साल के सेलिब्रेशन में डूबे युवाओं को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पुलिस फोर्स भी नजर आई। बेंगलुरु की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से निकले युवा सड़कों पर ही जश्न मनाते दिखाई दिए। और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने लखनऊ के हजरतगंज में नए साल का स्वागत किया है। देखिए किस तरीके से पटाखे जलाए जा रहे हैं, फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं। और लखनऊ के साथ साथ आसपास के भी कई इलाकों में इसी तरह का जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नए साल का भव्य स्वागत किया गया, आतिशबाजी की और जमकर जश्न मनाते लोग दिखाई दिए लखनऊ में। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा फिर एक बार शुरू हो गई है और भीड़ की वजह से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। नए साल की पूर्व संध्या पर माता के दर्शन के लिए कटरा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और इसकी वजह से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को थोड़े वक्त के लिए यात्रा रोकने का भी बड़ा फैसला लेना पड़ा। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माँ वैष्णो देवी भवन के साथ साथ
आधार शिविर कटरा की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ पुलिस विभाग की अतिरिक्त कंपनियां की भी तैनाती कर दी गई है। और खास बात यह कि इतनी ज्यादा तादाद में वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं कि अब सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके की निगरानी करनी पड़ रही है। नए साल 2024 के आगमन पर 31 दिसंबर को उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कई कदम अब उठा रहा है। तो दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ऐसी भी देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का वेलकम कर चुके हैं और वो तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और थाईलैंड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। भारतीय समय के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम 4:30 बजे न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल मनाया गया। स्काई टावर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड का। वहीं घड़ी में सुई के 12 तक पहुंचते ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का स्काई टावर देखिए आतिशबाजी से रोशन हो गया और फिर 5 मिनट तक आतिशबाजी होती रही और इसके 2 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आगाज हुआ। और सिडनी के हार्बर ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ओपेरा हाउस के पास भी ऑकलैंड के स्काई टावर जैसा ही नजारा देखने को मिला है। हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट तक ये लगातार आतिशबाजी चलती रही। इस दौरान करीब 8.5 टन पटाखे जलाए जाने की भी खबर है। और उसके बाद ताइवान की भी जरा तस्वीरें देख लीजिए। ताइवान की राजधानी ताइपे में भी एक समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही ताइपे 101 में भी शानदार आतिशबाजी देखने को मिली और इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों में लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए नजर आए। और नए साल पर मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी रौनक देखने को मिली है। दिल्ली के झंडे वाला देवी के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और नए साल पर माता के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर में स्पेशल आरती करके नव वर्ष के मंगलमय होने की भी कामना की गई। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग भारी संख्या में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस भी पहुंचे और यहां उन्होंने डांस करके एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी, एक तरफ माता से आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप ये तस्वीरें जहां पर सीपी में नॉट प्लेस में लोग नाचते गाते झूमते थिरकते हुए नजर आए और एक दूसरे को गले लगाकर लोगों ने नए साल के आगाज पर बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी देर रात श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद दिखाई दी है और साल 2023 के आखिरी दिन अमृतसर के हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। श्रद्धालुओं ने सरोवर में पवित्र डुबकी लगाई और गुरुद्वारा साहिब में अरदास भी की। ये तस्वीर अमृतसर की स्वर्ण मंदिर की। देखिए गोल्डन टेंपल में हरमंदिर साहिब में हर साल नए साल पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जब तमाम श्रद्धालु बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं और नए साल पर हरमंदिर साहब में आशीर्वाद लेते हैं। श्रद्धालुओं ने सरोवर में पवित्र डुबकी लगाई और गुरुद्वारा साहिब में अरदास भी की और अपनों की और अपनों से जुड़े लोगों की शुभकामनाएं और उनके सही सलामत सुरक्षित रहने की मनोकामना भी की। साल 2024 का आगाज हो चुका है। दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया है। सैकड़ों की तादाद में लोग मंदिर भी पहुंचे हैं जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और नए साल की शुरुआत की। बीते साल के लिए भगवान को धन्यवाद कहा है। जश्न में डूबा दिखाई दिया पूरा देश। कुछ लोग सड़कों पर थिरकते दिखाई दिए तो कुछ मंदिरों में जाकर प्रभु की प्रार्थना करते दिखाई दिए। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तस्वीर लगभग एक सी दिखी, कहीं आतिशबाजी, कहीं एक दूसरे को गले लगाकर लोग 2023 को टाटा बाय बाय कहते हुए 2024 के आगाज को लेकर अपनों को गले लगाते हुए दिखे, शुभकामनाएं देते हुए दिखे और मंदिर पहुंचकर गुरुद्वारे पहुंचकर लोगों ने अपनी और अपने से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य और सलामती की दुआएं भी मांगी, वहां पूजा की प्रार्थना की, अरदास मांगी। दिल्ली, तमिलनाडु, मदुरई से ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और तीनों ही तस्वीरों में देखिए कि न सिर्फ नाच गाकर एक दूसरे को बधाइयां देकर बल्कि मंदिरों में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लेकर भी लोगों ने नए साल का आगाज किया है। और ये तस्वीरें बताती है कि भारत वाकई दुनिया से किस तरह से अनूठा है, आस्थावान है। दिल्ली, तमिलनाडु और मदुरई की ये तस्वीरें, नए साल का जश्न पार्टी करते दुनिया भर में मनाया जाता है लेकिन इस पार्टी के साथ साथ लोग प्रभु को भी याद करते हैं। दिल्ली, तमिलनाडु और मदुरई में ऐसे ही आस्थावान प्रभु के द्वार पहुंचे माथा टेकने, धन्यवाद करने, प्रार्थना करने।